The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So diabetes and agar usko control nahi kiya to kya hoga? Very simple. See, diabetes do tarike ke hote hain, type 1 and type 2. Ultimately, agar aapke blood mein glucose या sugar बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लग जाए तो diabetes होती है, right? Blood sugar high blood sugar causes diabetes. Very very simple and very straightforward. और blood sugar level जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा हानिकारक. इसके signs and symptoms आपको मिलेंगे जब कुछ समय हो जाएगा, because body के अंदर there are mechanisms, उसके अंदर there is insulin. जब भी blood sugar level high होती है आपकी body insulin produce करती है. Insulin का यही काम है कि blood sugar को कम करना और जो glucose आपके blood में चल रही है उसको खून से cells में लेके चले जाना और वहाँ पर cells के अंदर या तो उनकी energy बन जाती है या फिर वो फैट्स बन जाता है, राइट? फैट बनता है तो आप मोटे हो जाते हैं. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक ऑफ इंसुलिन, राइट? और डायबिटीज ऐसी चीज है, उसको जितनी जल्दी आप ट्रीट करेंगे उतना बेहतर है और उतने ही ज्यादा आपके कॉम्प्लिकेशन के रिस्क कम हो जाएंगे. कॉम्प्लिकेशन कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, ये बात समझनी सबसे जरूरी है. और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि डायबिटीज बहुत ज्यादा कॉमन है, इतनी ज्यादा कि लिटरली 40% ऑफ द पॉपुलेशन, 40% पॉपुलेशन को डायबिटीज होगा या होने वाला हो चुका है, राइट? सो भाई साहब, इट्स वेरी कॉमन. प्री डायबिटीज तो और भी ज्यादा कॉमन है, ऑब्वियस सी चीज है. सो प्री डायबिटीज मतलब जितनी नॉर्मल शुगर होती है उससे थोड़ी हाई शुगर रहनी प्री डायबिटीज में कहते हैं, जब डायबिटीज के लेवल तक ना गए वो. उसके नॉर्मल वैल्यूज एक डिफरेंट एस्पेक्ट है जो कभी कभी बीच बीच में वेरी होते रहते हैं उसके स्टैंडर्ड्स, लेकिन मोटा मोटा अगर हम फास्टिंग ब्लड शुगर की बात करें, सिंपल सी बात है, तो फास्टिंग ब्लड शुगर में अगर आपकी शुगर 100 से नीचे है तो उसको नॉर्मल कहा जाता है. अगर वो 100 टू 120 वो हमेशा आ रही है तो प्री डायबिटीज़, और 120 के ऊपर है तो डायबिटीज़ कहा जाता है. 140, 180, 200 तो ये सीरियसली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो फिर आपको कॉम्प्लिकेशंस होने लगेंगे. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कई लोग HbA1c से भी इसको क्वांटिफाई करते हैं. HbA1c 6 के आसपास या 6 से नीचे है तो वो नॉर्मल मान के चलिए. 6 टू 7 तो प्री डायबिटीज़ होगा, 7 के ऊपर आपको डायबिटिक माना जाएगा. और डायबिटीज़ में वन गुड कंट्रोल में अगर हम मानेंगे तो गुड कंट्रोल में 8 से नीचे रहेगा तो ठीक ठाक है, 8 से ऊपर है तो दिस नॉट कंट्रोल, इट इज़ नॉट कंट्रोल. सो दिस इज मोटा मोटा कंसेंसस ऑफ ओल्ड एंड न्यू जो रिकमेंडेशंस आते हैं. फिर अब बात करेंगे कि होता कैसे है. देर आर टू वेज. एक तो टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन बनाने वाले पैनक्रियाज के सेल्स डैमेज हो रहे हैं, बन ही नहीं रहा इंसुलिन. देर आर सेकेंड वे ही डायबिटीज़ टाइप 2, जो ज़्यादा कॉमन है इंडिया के अंदर, सब जगह बल्कि. टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन बिकॉज एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट टॉक्सिसिटी हो रही है, इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर जाता है कि इंसुलिन हैंडल नहीं कर पाता. क्योंकि ये समझिए, इंसुलिन का काम है शुगर को लेके सेल्स के अंदर डालते जाना, सेल्स उसका या तो एनर्जी बनाएंगे या फैट. सो ज्यादातर केसेस में इतनी एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो पा रही, इतना एक्सरसाइज नहीं करते हम, इतना वर्कआउट नहीं करते, इतनी मेहनत मुशक्कत नहीं करते, बैठे रहते हैं और खाते रहते हैं. सो बैठे खाते शुगर आते जा रहा है, इंसुलिन उसको अंदर डालते जा रहा है और ये फैट बनता जा रहा है, मोटापा बढ़ता जा रहा है. सो इस प्रोसेस को कहीं तो रोकना पड़ेगा, तो बॉडी कहीं तो रोकेगी, राइट? जब हम अंदर डालने खाने पीने से नहीं रुक रहे हैं तो बॉडी इंसुलिन को रेजिस्टेंट बनाती जाती है. ये एक मैकेनिज्म है जो बॉडी करती है, सर्वाइविंग मैकेनिज्म. वरना क्या होगा, सब यूकोजोना बन जाएंगे, है ना, सब मोटे होते जाएंगे. सो इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है और जितना ज़्यादा आप उसको कंटिन्यू करते रहते हो उतना ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंट होता जाता है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ में बॉडी के अंदर इंसुलिन लेवल्स हाई मिलेंगे. उसके बाद में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के बावजूद क्या होगा, आपकी शुगर जो आप खा रहे हो वो तो खा ही रहे हो,
है ना, वो नहीं बंद कर रहे, मे बी बिकॉज आपको नॉलेज नहीं है, मे बी आपको पता नहीं है, मे आपको बताया नहीं है। तो शुगर ब्लड में आ रही है लेकिन ब्लड से सेल में नहीं जा रही, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रहा है, तो ब्लड शुगर बढ़ता जा रहा है। तो जब ब्लड लेवल शुगर लेवल बढ़ता जा रहा है, तो एक तरफ तो हमें दिख रहा है कि डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस होंगे, बिकॉज शुगर ज़्यादा है, शुगर 300, 400, 500 है, चाहे कोई भी ले लो फास्टिंग रैंडम, तो हमें लग रहा है अरे बाप रे तो शुगर बहुत ज़्यादा है। एब्सोल्युटली, और इतनी ज़्यादा शुगर जब ब्लड में घूमती रहेगी तो ऑब्वियसली उसके कॉम्प्लिकेशंस, उसके साइन सिम्टम्स, उसके उसके इफेक्ट्स दिखेंगे। बॉडी ट्राई कर रही है कि सेल्स के अंदर शुगर ना जाए, सेल्स खराब ना हो, सेल्स कितना फैट बनाएंगे, कितना फैट स्टोर करेंगे, लेकिन ब्लड के अंदर तो शुगर है। ये ब्लड के अंदर शुगर आपके सारी बॉडी में जाएगी, आंखों में, दिमाग में, किडनीज में, पैरों में, हाथों में, हार्ट में, और हर जगह कॉम्प्लिकेशन करेगी। और बॉडी फिर भी ट्राई करती है इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए, उसी के लिए सिम्टम्स आते हैं। नंबर वन चीज़ बॉडी ट्राई करती है कि शुगर को यूरिन के थ्रू निकाल दें, इसलिए पेशाब भरा भर पेशाब आता है। ऑब्वियसली जब शुगर निकलेगा तो पानी भी निकलेगा साथ में यूरिन, इसीलिए आपको प्यास भी ज़्यादा लगती है। सो पॉली यूरिया, पेशाब ज़्यादा आना इज़ बिकॉज ऑफ वो शुगर निकालने की कोशिश हो रही है, एक्सेस ऑफ शुगर निकालने की कोशिश हो रही है। सेकेंड, बिकॉज पानी निकल रहा है इसलिए प्यास ज़्यादा लग रही है, पॉलीडिप्सिया जिसको कहते हैं, प्यास ज़्यादा लगना, राइट, क्योंकि वो हो रहा है इसलिए डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। प्लस जब शुगर ज़्यादा होती है ब्लड में तो वो शुगर डाइल्यूट करने की कोशिश करता है बॉडी, बिकॉज गाड़ी गाड़ी शुगर चाशनी बना के नहीं घुमाना ब्लड को, इसलिए वो डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं। प्लस क्या हो रहा है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो शुगर सेल्स में नहीं जा रहा, शुगर सेल्स में नहीं जा रहा, शुगर ब्लड में घूम रहा है, ब्लड में शुगर भरपूर है लेकिन सेल्स भूखे, सेल्स भूखे हैं तो आपको भूख लगती है, बॉडी को वो सिग्नल देते हैं वी डोंट गेट शुगर, आपको हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास खाना नहीं है, तो उल्टा आप और खाना खाते हो और खाना खाते हो और शुगर बढ़ता जाता है, तो ये विशेष साइकिल चल जाता है और पेशाब आता है। तो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, फेजिया मतलब खाना, डिप्सिया मतलब पीना, और यूरिया मतलब पेशाब, और पॉली मतलब ज़्यादा, समझे? तो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है डायबिटीज़ के, ये बताता है कि आपकी ब्लड शुगर ज़्यादा है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रही है। जिनको डायबिटीज़ है ऑब्वियसली उनके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, क्योंकि सेल्स में एनर्जी नहीं है, भूखे हैं, तो फटीग होगा, कमजोरी होगी, ये सारे सिम्टम्स होंगे। और ऑब्वियसली चीज़ है, जो कंट्रोल नहीं करेगा डायबिटीज़ उनमें ये चीज़ दिखेगी सबसे पहले, फीलिंग टायर्ड, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम, सारी बॉडी की एनर्जी में प्रॉब्लम, कोई काम करने की इच्छा ना होना, दिन भर सोते रहना, और ज़्यादा वीकनेस हो जाना, क्योंकि और ज़्यादा नहीं चलेंगे और ज़्यादा शुगर बढ़ेगी। इसके साथ फिर धीरे 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 और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं, जैसे विजन में प्रॉब्लम आ सकता है, ज़्यादा शुगर आपकी खून की नसों को डैमेज कर सकती है, और सबसे पहले सबसे छोटी खून की नसें डैमेज होती हैं, ऑब्वियस सी चीज़ है, सबसे छोटी खून की नसें आपकी आँखों में, सो आँखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी से लेके ब्लरी विजन तक, छोटी सी चीज़ है ब्लरी विजन, और परमानेंट विजन लॉस भी हो सकता है। फिर क्योंकि जितना ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होंगी वहाँ पे ब्लड सप्लाई हर जगह हैम्पर होगा, तो जब भी कोई चोट लगेगी वो भरेगा नहीं घाव। हाई लेवल ऑफ शुगर शुगर आपके ब्लड वेसल्स और इवन नसों को डैमेज करता है, सो घाव भरने में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा अगर आप डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं करोगे। आपके हाथों पैरों में सुनपना आने लग जाएगा, नसों की डैमेज होनी शुरू हो जाएगी, और नसें डैमेज होंगी तो सुनपना, टिंगलिंग, नमनेस या इवन दर्द होना शुरू हो सकता है हाथों में, पैरों में, जस्ट बिकॉज आपने डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं किया। इसके अलावा स्किन खराब होने लग सकती है, न्यूरोपैथी नसों की स्किन खराब होने लग सकती है, बिकॉज ऑब्वियसली स्किन, आर्म, ये सब कुछ डार्क स्पॉट्स आने लग जाते हैं, राइट, एकॉन्थोसिस, नाइग्रान जैसी चीज़ भी आ सकती है स्किन के वजह से। बहुत आसानी से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो जाएंगे स्किन के ऊपर, इचिंग हो सकती है, यीस्ट इन्फेक्शन, कैंडिडा इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन बहुत आसानी से हो जाएंगे, ये सब साइड इफेक्ट्स होंगे अगर आप सही से सही टाइम पे डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, ये तो चलो एक शॉर्ट टर्म हो गया, दिखने वाली चीज़ है, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन और भी डेंजरस हैं अगर आपने टाइप 2 डायबिटीज़ को सही टाइम पे डायग्नोस नहीं किया और ये चलता रहा। ऑब्वियस सी चीज़ है, आपकी हेल्थ को तो इफेक्ट हो ही रहा है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट हो रहा है, और आपके कॉम्प्लिकेशंस क्या, हार्ट अटैक, जी हाँ, हार्ट अटैक का नंबर वन रीज़न है डायबिटीज़, लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ एसोसिएटेड विद हार्ट अटैक। 10-20 साल हो गए हैं डायबिटीज़ के, कुछ ना कुछ ब्लॉकेज तो बनेगा हार्ट में, किसी में कम किसी में ज़्यादा, डिपेंडिंग अपॉन द लाइफस्टाइल, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क फैक्टर्स, स्ट्रोक, दिमाग में क्लॉट जाके लकवा हो जाना, मिर्गी पैरालिसिस, वट एवर यू कॉल इट, राइट, मिर्गी अलग है, पैरालिसिस अलग है, पैरालिसिस, नर्व डैमेज, न्यूरोपैथी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, डायबिटिक फुट हो जाना, देखा है कई लोगों ने,
पैरों में नसे में सेंसेशन नहीं होती है, तो टच कहीं चोट लग जाती है, उसी के ऊपर चलते रहते हैं, चोट पे चोट, चोट पे चोट, नासूर बन जाता है, पैर ठीक नहीं होता। फुट प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायबिटिक फुट, किडनी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, किडनी धीरे धीरे काम करना कम करती है, एक टाइम पे फिर आगे चल के डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। आई प्रॉब्लम, लॉस ऑफ विजन, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, मैन फीमेल दोनों को, राइट? सो ये सारी चीज़ें अगर अनट्रीटेड रखोगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू है। और अगर एक्यूट की बात, ये तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन हो गए, एक्यूट की बात करें कि एक्यूट है, आज अगर शुगर 200, 400, 500, 600, 700, हे भगवान ये क्या हो रहा, तब क्या होगा? तब एक्यूट केस में हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ग्लाइसीमिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम नाम की भी चीज़ है। नाउ व्हाट इज दिस? ये बेसिकली इतनी ज़्यादा लेवल में शुगर परसिस्टेंटली रह रही है, तो ये बॉडी के अंदर ये HHNS नाम का सिंड्रोम है जो जो आपको हॉस्पिटलाइज होने में मजबूर कर देगा, हॉस्पिटल में एडमिट होने में मजबूर कर देगा। बॉडी के अंदर कीटो एसिडोसिस भी हो सकता है, नॉन कीटोटिक सिंड्रोम भी हो सकता है। नाउ दीज आर टू थिंग्स, टू डिफरेंट थिंग। हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ग्लाइसेमिक मतलब इतना ज़्यादा बॉडी के अंदर ग्लूकोज है कि सारा ब्लड वहाँ आ रहा है, सारा ब्लड सारा पानी वहाँ खींच लिया जा रहा है, और बॉडी थर्ड स्पेस में, बॉडी में कहीं पानी नहीं है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी सारी अंदर से, कितना भी पानी पी लोगे डिहाइड्रेटेड रहेगी। प्लस कीटो एसिडोसिस में ये होता है कि जब इतना सारा शुगर होता है, योर बॉडी इज यूजिंग ओनली फैट अंदर सेल्स, क्योंकि शुगर है सारे ब्लड में फंसी हुई, तो सेल्स आर, बॉडी इज यूजिंग फैट, फैट से कीटोन्स बनते हैं, कीटो एसिडोसिस जब बढ़ता जाता है आपके दिमाग पे भी असर हो सकता है, आप बेहोश हो सकते हो, आप बौखला सकते हो। सो इट्स अ वेरी ह्यूज एंड डिफिकल्ट थिंग, कीटो एसिडोसिस, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग। जो लोग इंसुलिन लेते हैं, जिनको ज़्यादा इशू पड़ती है, कीटो एसिडोसिस से बचना होता है। हाइपरग्लाइसीमिया एक तरफ कॉम्प्लिकेशन है, तो हाइपोग्लाइसीमिया भी है, शुगर लो हो जाना भी अपने आप में कॉम्प्लिकेशन है। इसीलिए कहते हैं कि डायबिटीज़ में सबसे ज़रूरी है रेगुलर चेकअप, कुछ भी करो रेगुलर चेक करते रहो, रेगुलर चेक करोगे तो एटलीस्ट पता रहेगा वेर डू यू स्टैंड। एटलीस्ट ये नहीं होगा कि साल हो गया हमने को पता ही नहीं क्या हो रहा है, राइट? 6 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, पता ही नहीं कि बॉडी के अंदर हो क्या रहा है। नॉट, डोंट डू दैट। प्रिवेंशन करना है, प्री डायबिटिक हो, डायबिटिक हो, कहीं भी हो, कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूर करिए। आपने, अगर आपकी 45 से ऊपर है, लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, तो उसको एक्टिव करिए, मोटापा है तो पतले होइए, डाइट को हेल्दी करिए, फैमिली हिस्ट्री है तो हेल्थ चेकअप कराइए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है तो वज़न कम करके, हेल्थ चेकअप करके हेल्थ ठीक करिए। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का भी ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, राइट? प्री डायबिटीज़ है या किसी भी प्रकार की डायबिटीज़ है, अ गुड लाइफस्टाइल कैन टैकल इट, गुड लाइफस्टाइल कैन ट्रीट इट कम्प्लीटली। प्राइमरी ट्रीटमेंट डायबिटीज़ का है अंडरस्टैंडिंग द डिजीज़, अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लिकेशन। अगर वो कर लेंगे तो आधी से ज़्यादा जंग आप जीत गए, सेकेंड आधी जंग आपकी मॉनिटरिंग से है। बस 5% हिसाब है दवाइयों का, बाकी का, ठीक है? So this is all about diabetes. I hope you understood. And if you have any questions, please ask. And don't forget to like and share this video. It's very, very important. And I am Dr. Paramjeet. You are watching Dr. Education. Thank you.